अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील जलालपुर पीरवाला और हर साल की तरह इस साल भी 2024 अप्रैल में मेला यहां पर लग चुका है, अवामी मेला जो लगता है। और हमारे साथ यहां के दोस्त अहबाब मौजूद हैं, मेले की शुरुआत हो रही है। अगर हमारा कैमरामैन पीछे दिखाए तो यहां पर दो सर्कसें, धूम सर्कस और लकी ईरानी सर्कस के अलावा यहाँ पर झूले, चिड़ियाघर और मुख्तलिफ जो होते हैं स्टॉल भी सज रहे हैं। और हमारे साथ चंद दोस्त मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे लगता है कि आज पहला दिन है मेले का और इस मेले ने जो है हफ्ता रहना है यहाँ पर जलालपुर, जलालपुर की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी मेला तीन दे तक हर साल तीन दे, ठीक है ना, इस साल भी मेला लवेंदे पे हैं, बहुत अच्छा मेला लवेंदे पे हैं, लकी रानी सर्कस भी आँधी पी है, धूम भी आँधी पी है, तो जलालपुर की आवाम कोई असाधे पे हैं जो आवेन इतना मेला देखें इंजॉय करें, बाहर दे आवाम को भी आदे पे हैं जो वो भी इतना आवन मेला देखें इंजॉय करें मेला, तो बहुत अच्छा मेला थी इतना करें हर साल की तरह, इस साल भी मेला बहुत अच्छा थी ना पे, दूहे सर्कसी लगता पे इधू देखो समान समान लगता पे, जुम्मे आल दीवार बहुत अच्छा मेला हो सी जिम्मे अगे थी ना ही मेला हर साल जुम्मे आल दीवार, इस साल भी उए मेला बहुत अच्छा मेला थी सी मेला जुम्मे को बहुत अच्छा शो थी ना पे पूरा हफ्ता मेला हो सी। ठीक, हाँ हमारे साथ मलिक सईद लंग मौजूद थे, उनका भी यही कहना था कि हर साल की तरह जो है जुम्मा मुबारक को एक रश होता था, हजूम होता था मेले का, उसी तरह कल परसों जुम्मा है और जुम्मे वाले दिन जो है इंशाल्लाह मेला यहाँ पर धूमधाम से सजेगा। और हमारे साथ दोस्त और भी मौजूद हैं और ये अपनी गाड़ी के साथ आए हैं यहाँ पर मेले पर, और हम उनसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, अच्छा हमें ये बताएं कि आप यहाँ पर पहली मरतबा आए हैं या आप पहले भी आते हैं? हम इधर काफ़ी अर्से दराज से भाई आ रहे हैं, तकरीबन हमें मुझे आते हुए 4-5 साल हो गए हैं, तो हमारे जो भाई बड़े हैं ना वो भी आते हैं इधर काफ़ी अर्से से, तो पूरे पंजाब में मैं यही कहूँगा कि अगर सबसे बड़ा मेला देखना है तो इधर आएँ, इधर चिड़ियाघर भी, लकी रानी, दो किस्म की लकी रानी, धूम सर्कस और उसके बाद लकी रानी सर्कस दोनों मौजूद है, उसके बाद स्टॉल भी है, झूले भी हैं, पंजाब का सबसे बड़ा मेला। मैं तो यही कहूँगा सारे भाइयों से जो भाई भी देख रहे हैं कि इधर आकर विज़िट करें और अपने खुशी का इजहार करें, और बाकी मेरे तमाम भाइयों से ये गुजारिश है एक बार ज़रूर इसे इंजॉय करें। अच्छा, आप पहले भी किसी मेले से आए हैं यहाँ पर? क्योंकि आपकी जो गाड़ी है एक दिन पहले यहाँ पर मौजूद थी। हमारी एक दिन नहीं, दो दिन पहले इधर आती है, और हम पहले इधर मौजूद थे ओशरी, तो उधर से यहाँ आए। हम वैसे रहने वाले हैं ज़िला जंग तहसील शोरकोट के, तो हर साल हम इधर आते हैं, एक दो दिन पहले ही आ जाते हैं, क्योंकि ये पंजाब का बहुत बड़ा मेला है, इसको देखने के लिए सिर्फ ये पीरवाला के नहीं आते, जलालपुर पीरवाला से कोई ये नहीं इसके सिर्फ यहाँ से आते हैं, मुख्तलिफ तहसीलों से इधर आवाम आती है और इधर से अपना मेला इंजॉय करके जाती है। बाकी जो नहीं आते उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आकर मेला इंजॉय करें। जी, इनका भी यही कहना था कि पंजाब का सबसे बड़ा मेला होता है तहसील जलालपुर पीरवाला, और कई अगर बात की जाए कोई सालों से इतना अच्छा हजूम वाला मेला नहीं देखने को मिला जिस तरह इस मरतबा 2024 में दो सर्कसें और यहाँ पर काफ़ी जो है सामान, झूले वगैरह और कश्तियाँ, मुख्तलिफ स्टॉल ये देखने को मिल रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, जुम्मे वाले दिन जो है ये इनका कहना है कि ज़ोरों शोर के साथ जो है मेला यहाँ पर स्टार्ट होगा, शुरू होगा, और तमाम जो है तहसील और तहसील के दूर दराज के जो भी तहसीलें लगती हैं और जो भी शायकीन हैं वो मेला इंजॉय करने के लिए ज़रूर जलालपुर पीरवाला का रुख करें। जी।